नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवीनडा ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 2001 की पांच बेहतरीन सुपरहिट फिल्में, वो टॉप फाइव फिल्में जिसने सबसे ज़्यादा इंडिया में कलेक्शन किया था। और ये ऐसा दौर था जो सन 2000-2001 एक नया दशक शुरू हो रहा था, और मान के चलिए कि ये हमारा जनरेशन शुरू हो गया था। तो चलिए शुरू करते 2001 की जो टॉप फाइव फिल्मों में पाँचवें नंबर की फिल्म थी वो थी दिल चाहता है। दिल चाहता है के डायरेक्टर थे फरहान अख्तर, और ये दोस्ती वाली मूवी थी तीन दोस्तों की, आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना। गजब की मूवी है, और मैंने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये मूवी दोबारा देखी थी, और बहुत ही बढ़िया पिक्चर है। अगर आपको दोस्ती वाली फिल्म देखना है, कोई दोस्ती वाली फिल्म आप सजेशन में ढूंढ रहे हैं, तो दिल चाहता है देखिए। और कैसे लाइफ को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, और दोस्त और दोस्ती तो हमेशा रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से सही से मिल नहीं पाते समय के हिसाब से। तो वो सब चीज़ें बहुत दिखाया गया है कि लाइफ में उतार चढ़ाव, और जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाती है लाइफ में कितनी उतार चढ़ाव होता जाता है, तो ये सब चीज़ें दिखाया गया है। दिल चाहता है कि स्टार कास्ट थे आमिर, सैफ और अक्षय खन्ना, और प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी और डिम्पल कपाड़िया। म्यूजिक दिया था इस फिल्म के शंकर एहसान लॉय ने। उस दौर में 20 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। पांचवें नंबर पे है 2001 की जो सबसे ज़्यादा कमाई की थी वो थी इंडियन, और इंडियन जो कि नेट कलेक्शन था इसका 24 से 25 करोड़ का। और आपको बताऊं तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित हुई थी। सनी देओल का ये सुनहरा साल था। ये इंडियन पिक्चर के डायरेक्टर थे एन महाराज, और स्टार कास्ट थे सनी देओल और शिल्पा शेट्टी। म्यूजिक दिया था आनंद राज आनंद ने, जो कि इंडियन 2001 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, और ये फिल्म सुपर हिट थी। और 2001 की जो तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी वो थी लगान, और लगान क्लैश मूवी थी, गदर जैसी एपिक मूवी के साथ क्लैश हुई थी ये फिल्म। लगान का कलेक्शन था 34 से 35 करोड़, और डायरेक्टर थे इस पिक्चर के आशुतोष गोवारिकर। स्टार कास्ट थे आमिर खान, किरेसी सिंह, रिशल सेली और पॉल ब्रैकथॉर्न। कुछ कलाकार थे जिन जो कि इंग्लैंड से या ब्रिटिश कलाकार थे, और ज़रूरी भी था क्योंकि इसमें इंडो एंग्लो जो अंग्रेज़ों के ज़माने का जो दिखाया गया क्रिकेट से रिलेटेड है, ये स्पोर्ट्स बेस्ड मूवी है। ये बहुत ही दिलचस्प मूवी है, आमिर खान की प्रोडक्शन की मूवी, आमिर खान की एक्टिंग स्किल गजब की एक्टिंग अमेजिंग है, हेड्स ऑफ। और AR रहमान द्वारा म्यूजिक वाओ। तो लगान जो कि 2001 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, और दूसरे नंबर की फिल्म थी कभी खुशी कभी गम, जो कि 2001 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और इस फिल्म के कलाकार थे शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और महानायक अमिताभ बच्चन, और इसके अलावा काजोल, करीना कपूर, जया बच्चन भी थे। ये फिल्म 2001 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लगभग 56 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था इंडिया में। और म्यूजिक दिया था इस पिक्चर में जतिन ललित ने, संदेश संध्या और आदेश श्रीवास्तव ने। अब बात करते हैं 2001 की जो सबसे ज़्यादा कमाई की थी, और वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। आज मैंने ये फिल्म कई बार अनगिनत बार देखे, और 2001 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म गदर एक प्रेम कथा। और गदर एक प्रेम कथा सिर्फ 2001 की नहीं, भारतीय सिनेमा जगत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। शायद अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टॉप 2 में या टॉप 3 में भी रख सकते हो। शोले, गदर एक प्रेम कथा, मुगले आज़म, ये वो फिल्में हैं जिसने इतिहास रच दिया। 2001 में करीब 77 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। उस दौर में सन्नी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी जैसे इस फिल्म में कलाकार थे। म्यूजिक दिया था उत्तम सिंह ने, और डायरेक्टर थे मेगा डायरेक्टर अनिल शर्मा, जो कि यहाँ से काफ़ी फेमस हुए थे। और आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो टिकट उस दौर में बहुत सारे टिकट बिके थे, काफ़ी करोड़ों लोगों ने सिनेमाघर में देखा था, और आज के डेट के हिसाब से इतना स्क्रीन भी नहीं था, उसके बावजूद भी एक रिकॉर्ड कायम किया था सबसे ज़्यादा। तो 2001 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी गदर एक प्रेम कथा। तो ये था 2001 की टॉप 5 फिल्में, और इसमें जो मेरी फेवरेट फिल्म थी वो थी गदर एक प्रेम कथा। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है 2001 की,
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।